इस वीडियो में मैं आपको एवेंजर्स एंड गेम से पहले तक की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से ये सब शुरू हुआ। ये सब शुरू होता है 2008 में आई आयरन मैन 1 से, जब टोनी स्टार्क मिडल ईस्ट में अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स के साथ होते हैं। टोनी स्टार्क एक वेपन्स डीलर होते हैं और उनकी कंपनी का नाम होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज। मिडल ईस्ट में ही टोनी स्टार्क के कॉन्वॉय पर एक हमला होता है और ये हमला उन्हीं की कंपनी के वेपन से किया जाता है। हमले के बाद टोनी को बंधक बना लिया जाता है और वहां से निकलने के लिए वो खुद के लिए एक सूट बनाते हैं। इस सूट की मदद से टोनी स्टार्क वहां से निकल जाते हैं और वापस यूएस से पहुंचकर अपने सूट पर थोड़ा और काम करते हैं और खुद के लिए बना लेते हैं पहला परफेक्ट आयरन मैन सूट। और फिर वो उस सूट से कुछ और लोगों की मदद करते हैं। अब पता चलता है कि जिसने टोनी स्टार्क पर हमला कराया था वो कोई और नहीं बल्कि टोनी का बॉस ओबेडिया स्टेन था, जिसने टोनी के मिनी आग रिएक्टर को चुरा कर खुद के लिए एक सूट बनाया और उसे नाम दिया आयरन मॉन्गर। इसके बाद आयरन मॉन्गर और टोनी के बीच एक फाइट सीक्वेंस होता है जिसे टोनी पेपर और रोज की मदद से जीत जाता है। इसके बाद टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो सबको बताता है कि वो खुद ही आयरन मैन है। इसी समय पर टोनी निक फ्यूरी से मिलता है जो टोनी को बताता है कि शील्ड एक अवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू कर रही है। इसी मूवी में हमको कई और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जैसे टोनी स्टार्क की असिस्टेंट पेपर पॉट्स और जेम्स रोड्स। इसके बाद आई आयरन मैन 2 जिसमें आइवन मैंगो खुद का एक आर्मर सूट बनाता है और टोनी स्टार्क को चैलेंज करता है। टोनी जेम्स रोड्स के साथ मिलकर मैंगो और उसके बॉट्स को हरा देता है। इसी मूवी में हमें एक और कैरेक्टर मिलता है नताशा रोमानोव जो कि खुद एक शील्ड एजेंट होती है। इसके बाद द इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में हम मिलते हैं ब्रूस बैनर से जो कि एक साइंटिस्ट है। ब्रूस गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है और बन जाता है हल्क। इसी समय पर एक सोल्जर एमएल ब्रॉन्स्की भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और बन जाता है द अबोमिनेशन। इसके बाद अबोमिनेशन और हल्क के बीच एक फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें हल्क जीत जाता है। इसी बीच एस्गार्डियन किंग ओडिन और उसके बेटे थॉर के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं क्योंकि थॉर ने फ्रॉस्ट जायंट्स पर हमला करा होता है। इसी के बाद ओडिन अपने बेटे थॉर से उसकी शक्तियां और उसका हैमर छीन लेता है। थॉर के हैमर को ओडिन अर्थ पे फेंक देता है, जहाँ पर जिस जगह पर हैमर गिरा होता है वो जगह एक अट्रैक्शन बन जाती है क्योंकि अर्थ पर कोई भी इस हैमर को उठा नहीं पा रहा था। कुछ ही दिनों में वह शील्ड भी आ जाती है। थॉर जेन फोस्टर के साथ अपने हैमर को लेने जाता है पर वो भी उस हैमर को उठा नहीं पाता। यहीं पर हम एक और शील्ड एजेंट से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है हॉकाय। इसी बीच थॉर का भाई लोकी जो कि एक फ्रॉस्ट जायंट होता है वो एस्गार्ड पर कब्जा कर लेता है और थॉर को मारने के लिए एक आर्मर सूट भेजता है। थॉर अब अपना हैमर उठा लेता है और डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता है। थॉर वापस एस्गार्ड जाता है और लोकी से लड़ता है, जिसके बाद एस्गार्ड और अर्थ के बीच का ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे लोकी चला जाता है वॉइड में। इसके बाद निक फ्यूरी को बर्फ में जमा हुआ एक सुपर हीरो मिलता है। ये सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि 1940s के टाइम का सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स होता है। स्टीव उस समय एक पतला दुबला लड़का हुआ करता था जिसका केवल एक ही सपना था और वो था आर्मी ज्वाइन करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक सीक्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मुद्दा होता है एक सुपर सोल्जर बनाना और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराते हैं टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पतला दुबला स्टीव रॉजर्स अब एक शक्तिशाली सुपर हीरो बन जाता है। फिर एक जर्मन ऑफिसर आकर साइंटिस्ट को मार देता है जिसके बाद स्टीव रॉजर्स वॉर में लड़ने जाता है। इसी वॉर से स्टीव को नाम मिलता है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड भी होती है जो कि वाइब्रेनियम मेटल से बनी हुई होती है। हाइड्रा के पास एक पावरफुल आर्टिफैक्ट टेसरेक्ट होता है। रेड स्कल के साथ मिलकर वो इससे वेपन्स बनाते हैं। कैप्टन अमेरिका हाइड्रा को मार देता है और हाइड्रा के एक असॉल्ट क्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी में क्रैश कर देता है और इसके करीब 70 सालों के बाद निक फ्यूरी को कैप्टन अमेरिका मिलते हैं। इसके बाद निक फ्यूरी कैप्टन के पास एक मिशन लेकर पहुंचते हैं क्योंकि लोकी द गॉड ऑफ मिशिफ अब लौट चुका था और उसने टेसरेक्ट को चुरा लिया था और अब लोकी के पास एक ग्लोइंग स्केप्टर भी था। लोकी से लड़ने के लिए फ्यूरी तय करता है कि उसे पहली बार सभी एवेंजर्स को साथ लाना होगा। कोल्सन जाकर आयरन मैन, ब्लैक विडो और हल्क को साथ लेकर आता है। इसी वक्त थॉर भी लोकी से लड़ने आ जाता है। सभी एवेंजर्स पहली बार एक साथ असेंबल होते हैं और लोकी को हराने के लिए तैयार होते हैं। लोकी की आर्मी और एवेंजर्स के बीच फाइट सीक्वेंस होता है जिसे एवेंजर्स जीत जाते हैं। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पहली बार थानोस भी दिखता है। इस फिल्म के खत्म होने के साथ एमसीयू का फेज 1 भी खत्म हो जाता है। फेज 2 की शुरुआत में आई आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। आयरन मैन 3 में टोनी का सामना होता है मैंडरिन से जो टोनी पर अटैक कराता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर और जेन फॉस्टर वापस मिलते हैं और वर्ल्ड्स को लिंक करते हैं। इसी बीच मेलेकिथ और उसकी डार्क फेल्स की आर्मी लौट चुकी थी और अब उनके पास एक पावरफुल हथियार भी था जिसका नाम था ईथर। थॉर अपने भाई लोकी के साथ मिलकर मेलेकिथ को हरा देता है। स्टीव रॉजर्स जो अब शील्ड के साथ काम कर रहे थे वो ब्लैक विडो और फाल्कन के साथ मिलकर मिस्टीरियस असैसिन विंटर सोल्जर को खत्म करने चले जाता है।
इसके बाद आई फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जिसमें हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड अपने ग्रुप के साथ विलन रोनन से लड़ने जाता है। उनके ग्रुप में होते हैं गमोरा, रॉकेट, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर और क्रूट। इस फिल्म में हमें कई चीजें पता चलती हैं, जैसे कि रोनन थैनोस के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा होता है। इसी बीच क्विल द स्टार लॉर्ड रोनन से ऑर्ब चुरा लेता है। अब पता चलता है कि ऑर्ब, ईथर, टेसरेक्ट और स्केप्टर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और थैनोस इन सभी स्टोन्स को कलेक्ट करना चाहता है। स्टार लॉर्ड अपने ग्रुप को नाम देता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और वो सभी योंडू के साथ मिलकर रोनन से लड़ने जाते हैं और जीत भी जाते हैं। इसके बाद एंटमैन मूवी में हम स्कॉट लैंग से मिलते हैं, जो डॉक्टर हैंक के साथ मिलकर एंटमैन टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करते हैं। एंटमैन टेक्नोलॉजी से इंसान का साइज छोटा हो जाता है पर उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसके बाद सभी एवेंजर्स वापस एक साथ आ जाते हैं और इस बार उनका दुश्मन होता है अल्ट्रॉन। इस फिल्म में तीन और नए कैरेक्टर्स आते हैं, पिएट्रो और वांडा जो कि ट्विंस होते हैं और विजन। इस फिल्म के साथ एमसीयू का फेज 2 भी खत्म हो जाता है। फेज 3 के शुरुआत में ही आई फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इसमें एवेंजर्स दो टीम्स में बंट जाते हैं। एक टीम को लीड करता है कैप्टन अमेरिका और दूसरी को आयरन मैन। दोनों टीम्स के बीच के डिफरेंसेस की वजह से दोनों टीम्स के बीच एक फाइट होती है। कैप्टन अमेरिका की टीम में होते हैं फैल्कन, एंटमैन, हॉकाई, वांडा और बकी, और टोनी की साइड होते हैं ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, रोज, विजन और स्पाइडरमैन। ये पूरी लड़ाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई होती है, जिसकी शुरुआत करी थी जीमो ने, और ऐसा उसने इसलिए करा था ताकि वो अवेंजर्स से बदला ले सके। इसके बाद अगली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज में हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। स्टीफन स्ट्रेंज दुनिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक होते हैं। एक कार एक्सीडेंट के बाद उनका करियर खत्म हो जाता है और अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए वो एक अलग सफर पर निकल जाते हैं और फिर वो मिलते हैं द एंशिएंट वन से, जो स्ट्रेंज को मिस्टिक आर्ट सिखाती है। डॉक्टर स्टीफन टेलीपोर्ट और मैजिक से पावरफुल वेपन्स बनाना सीखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर आय ऑफ अगामोटो से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो असल में एक इन्फिनिटी स्टोन होता है और वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और इसी की मदद से वो डोरमामू को भी हराते हैं। इसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हम एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम होता है ईगो, और ये पीटर क्विल के पिता होते हैं, पर गैलेक्सी को बचाने के लिए पीटर को ईगो को मारना होता है। ईगो को मारने के लिए गार्डियंस का साथ देते हैं मैंटिस, नेबुला और योंडू। फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर पार्कर टोनी स्टार्क के गाइडेंस में अपने कॉन्क्वेस्ट पर जाता है, जहां उसका दुश्मन होता है वल्चर। इसके बाद थॉर रैग्नारॉक में हेला, जो कि थॉर की बहन होती है, वो वापस एसगार्ड लौट जाती है और एसगार्ड पर कब्जा करने की कोशिश करती है। इसी बीच थॉर और लोकी हल्क के साथ मिलकर एसगार्ड आते हैं और हेला को खत्म कर देते हैं, जिसके साथ एसगार्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लैक पैंथर में वकांडा के राजा टिशाला को उसका कजन चैलेंज करता है। वकांडा में वाइब्रेनियम होता है, जिससे वो वेपन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ बनाते थे, और इसी वजह से वकांडा दुनिया की किसी भी और सिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी थी। ब्लैक पैंथर शूरी और मकाबू के साथ मिलकर किलमोंगर से किंगडम वापस लेने जाती हैं और इसमें किलमोंगर मारा जाता है। इसके बाद आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो यूनिवर्स में एक बैलेंस पर बिलीव करता है, जो उसके हिसाब से अब डिस्टर्ब हो रहा था, और इसीलिए सभी स्टोन्स की मदद से वो पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, जिससे कि कई सुपर हीरोज भी खत्म हो जाते हैं। इसी फिल्म के एंड में निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को इस इंसिडेंट का मैसेज भेजता है। इसके बाद दो और फिल्में आई, एंटमैन एंड वॉस्प और कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल में कैरल डेनवर्स और निक फ्यूरी को दिखाया गया कि किस तरह कैरल एक सुपर हीरो बनती हैं। अब हम सभी को देखना है कि एवेंजर्स एंड गेम में सभी एवेंजर्स मिलकर थैनोस को किस तरह से हराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।